हिरणगर्भ ऋषि कौन है? हिरणगर्भ है। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। पश्चात विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद का सामान्य विचारधारा से हटकर यह सूक्त महत्वपूर्ण का सर्वाधिक सूक्त है। इसका विचार है कि प्रसिद्ध इंद्र सूक्त के अनुकरण पर रचित यह सूक्त ऋग्वेद का प्रवर्ती सूक्त है। इसी सूक्त में प्रजापति का एक नाम कभी बताया गया है, अधिकतर जगह पूछा जाता है। हिरणगर्भ और प्रजापति दोनों एक ही तत्व है। हिरणगर्भ अर्थात सुवर्णमय गर्भ या सुवर्णमय अंडा एक तरह से कह सकते हैं। सृष्टि के आदि जल आप या अप्रकेत सलिल से स्वयं प्रकट होने वाला वृद्ध अंडाकार तत्व है। हिरणगर्भ को सृष्टि का आदि अग्नि तत्व माना गया है। यह आदि प्राण है क्योंकि प्राण को वशिष्ठ बताया गया है और अग्नि को भी वशिष्ठ कहा गया है। इसी आदि प्राण को सूर्य भी कहा गया। आधुनिक खगोल विज्ञान की भाषा में नेबुला भी कहते हैं। यही सूर्य से पूर्व की अवस्था है। समुद्र सूर्य का जन्म होने का उल्लेख भी है। संभवतः सूर्य जन्म से पूर्व की स्थिति के पुराणों में से शाही विष्णु के रूप में वर्णित भी किया गया है। ठीक है, हिरणगर्भ की तीन गतिविधियाँ बताई गई हैं। सर्वप्रथम तो आप में उर्मियों में उत्पन्न होने की बताया गया है। इसमें तदनुसार यहाँ क्या कहते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया बताई गई है, लगातार बढ़ने की। अंत में इसका परिप्लवन बताया गया, टूटना और बिखरना चारों ओर। ठीक है, ग्रह परिप्लवन की क्रिया के साथ संवत्कर तक उसके पश्चात वह अंडे को दो भाग में विभाजित किया गया, अंडों में विभाजित हो सकता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं लगातार कि कैसे विभाजित हुआ, कैसे टूटा, कैसे अलग किया गया, किस प्रकार उसका स्थित किया गया। अब सूर्य का हम देखते हैं कि जो इसके एक भाग पे पृथ्वी बनी और दूसरे पे जो टूटा तो दूसरे से पृथ्वी बनी और एक से क्या बना, धूलोक बना। इस अंडे के समान ही इन कोषों में शरीर के संपूर्ण तत्व विद्यमान रहते हैं। कोष के यही बताया गया कि कैसे शरीर का निर्माण हुआ, इसमें जब अंडा बना पृथ्वी बनी सारी चीज़। हिरणगर्भ का सार, सकल दृष्ट का आदि सूर्य ज्योतिर्मय गर्भभूत तत्व का परमेश्वर द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न किया गया। इस उक्त कोई भी तत्व नहीं था, वही आगे होने वाले प्राणी मात्र का पालन करता था। उसने ही विशाल पृथ्वी अर्थात भौतिक जगत और आकाश अर्थात तेजोमय जगत को धारण किया अर्थात आगे नियंत्रण में रखा हुआ था। यही तत्व इतना महत्वपूर्ण था कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य पूजनीय नहीं रह सका। चैनल पर मरना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि अतिरिक्त कोई अन्य पूजनीय नहीं रह जाता। इसके लिए प्रश्न किया गया है कि इस तत्व को छोड़ और किस दिव्य तत्व की पूजा करें, मतलब इसके अलावा किस दिव्य तत्व की पूजा करें। वह प्रजापति का सबसे आत्मदाता है, यही तत्व भी है, वास्तविक तत्व तो यही है। तो वही बताया गया कि इसका सब जो मतलब यहाँ से जो प्रदान किया गया हम सबको, वही इसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ और हम लोगों ने, इसलिए सब प्राणी देव तक इसे शासन में रहते हैं। निसंदेह इसकी शरण में अमरत्व ही है, अगर हम उसके जाएंगे तो अमर ही प्राप्त करेंगे। इसलिए मृत्यु को भी इसके पृथक नहीं किया गया, मृत्यु को भी इससे अलग नहीं किया गया, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं। ठीक, नहीं किया जा सकता। ठीक है, मृत्यु को पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि विलय के बिना सृष्टि का कल्पना नहीं हो सकती। यह मरणाधर्म प्राणियों का अमर दोनों का इतना समान नियंत्रण है, इतना महान है कि वह सृष्टा है, कह सकते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वही है और होना भी चाहिए। उस सृष्टा प्रजापति का महत्व इतना है कि जितना भी विशाल गतिशील संसार है उन सब का अकेला ही राजा है। सब पूरे संसार का अकेला अपने प्रकाश के तीनों दीप्त करता है। इसके सभी प्राणी मनुष्य और पशु सभी के नियंत्रण में प्राण लेते हैं। इसकी पलक झपकने की तरह सजग क्रिया और प्रक्रिया के महत्व तथा नियंत्रण में ही होती है। विशाल हिमालय जैसे पर्वत उस प्रजापति की महिमा के कारण उसके ही हैं। यहाँ तक कि सभी ओर से आने वाली नदियों के पूर्यमान विस्तार परावर भी उसके अधीन है। इसके भी अधिक दिखाई देने वाली और इससे भी परे किसान के नियंत्रण में ही है, अपितु ये उसके लिए इतना सीमित है मानो दो हाथ हो। मानुष के दो हाथ, मनुष्य के दो भुजाएं वस्तुतः उसकी है। इसी की प्रेरणा से मनुष्य सब प्रकार से कार्य करता है। मनुष्य को यहाँ कार्य करने को बताया गया। ठीक है, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति की अति उन्नत आकाश और सभी भूमंडलों को पृथ्वी और उनके स्थान पर स्थिर कर दिया था जिससे प्राणी जीवित रह सके। स्व और नाक एक ही तत्व के दो नाम हैं। दोनों का मूल तत्व सूक्ष्मतत्व है। सूर्य को दोनों का संबंध है, स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्यमंडल पार करने के सुमोच्च परम सुख का अनुभव करता है और सृष्टि के साथ प्रजापति उसके सुख में स्थिति का स्थापना की। परंतु कोई साधक ही उसे प्राप्त कर सकता है। अंतरिक्ष का महान ज्योति विद्युत का निर्माण भी इसने किया। विद्युत का निर्माण भी इसने
तो सृष्टि का वाहक होने के कारण सबकी जीवनदात्री है। हिरण्यगर्भ अंड अब दो खंडों में विभाजित हुआ तो उद्धव और पृथ्वी का निर्माण उन दो खंडों के हुआ। प्रजापति ने उन्हें अब अपने अपने स्थान पर उपस्थित कर दिया, परंतु अंड में विभाजित होने के समय उन दोनों खंडों में कुछ चरमराहट हुई होगी, इसीलिए इसे क्रंदस भी कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को कंदरस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा घूमती रहती है। इस समय अतुलित प्रकाश की दीप्त उन दोनों में प्रजापति के पूर्ण एकाग्रता से देखा, अर्थात उसके प्रति आदर भाव प्रकट किया, जो प्रजापति के आधार पर सूर्य उदित होता है। ठीक, कहा जाता है कि प्रजापति के आधार पर तेज भी कहा जाता है। सूर्य को आपको पता है उसी ने सूर्य की सृष्टि और उसी ने तेज प्रदान किया, सूर्य को तेज इसी ने प्रदान किया है। ठीक है, यही कहने का गौरव प्रदान किया, इसीलिए इसे गौरव। इस मंत्र में उस दिव्य सृष्टि जल के महान समुद्र का वर्णन है जिससे कुछ भी तत्व पृथक नहीं है, कि जहाँ से उत्पन्न हुई सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वहीं से उत्पन्न हुई। ठीक है, सृष्टि का मूलाकरण हिरण्यगर्भ अंड प्रकट हुआ है, जिसमें सृष्टि का मूलाकरण इस अंड को ही यहाँ गर्भ कहा गया। जैसे अंडे से बच्चा निकलता है उसी तरह हिरण्यगर्भ से क्या निकलता है, सारी पृथ्वी बनी है टूट के दो आकाश को उत्पन्न। सृष्टि जल में इस गर्भ रूप में अग्नि से उत्पन्न हुआ है, वह स्नेह संहिता में भी प्रजापति द्वारा अग्नि का आहरण करते हुए जल में समुद्री संबंधी गर्भ की बात की गई है। उस हिरण्यगर्भ को भी यहाँ देव की एक प्राण कहा गया है। ऊपर के मंत्रों में सब महान शक्तियों के आधार पर भूत तत्व के रूप में हिरण्यगर्भ का वर्णन देखा जाए, संभवतः यहाँ उस परमात्मा की ओर संकेत है जो प्रारंभिक सृष्टि जल और हिरण्यगर्भ का भी सृष्टा है। इसके निरीक्षण में मानो उस सृष्टि जल को सर्जन व्यक्ति के धारण किया हुआ है और सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न अर्थात आरंभ किया था। यहाँ यह संकेत महत्वपूर्ण है कि समग्र सृष्टि ही यज्ञमय है। यज्ञ में मानते हैं कि जहाँ एक स्थान से उत्पन्न हुई सारी चीज़, जैसे यज्ञ में सारी चीज़ एक स्थान से उत्पन्न होती है, उसी तरह यज्ञमय है यहाँ संकेत किया गया है। ठीक है, तथा ध्यान रखना इस चीज़ को, वही एकमात्र सर्वनियंत्रण जगदुत्पादक परमात्मा तत्व, यही इसी से सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, परमेश्वर की पूजा पात्र नहीं हो सकती, परमेश्वर आनंदमय है। इसके प्रथम सृष्टि जल को भी इसी कारण यह आहादक कहा गया है, ऐसा सृष्टा से जो दुख न दे यह प्रार्थना की गई है। इसमें दुख की आशंका कैसे हो सकती है, इसकी पृथ्वी आदि किसी दृष्टि से दुख दिखाई नहीं देता। दुख तो मनुष्य के कर्म से उत्पन्न होता है, दुख न होने का सुख का मंत्र में ही किया गया है, क्योंकि परमेश्वर से सत्य धर्म अर्थात सच्चे सुव्यवस्थित नियमों वाला बताया गया है कि सारी चीज़ें नियम के अनुसार होते हैं। जैसे उषा सूक्त में बताया गया कि सूर्य से पहले की क्रिया है। ठीक है, उसी तरह से जो नियम में चल रहा है, जो मनुष्य उन शाश्वत नियमों का पालन करता है उसे दुख नहीं हो या आनंदलीन होने के कारण या प्राचीनतम दुख को दुख नहीं मानता। इस अंतिम मंत्र में स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व के 9 मंत्रों में जिस अनन्य देव के विश्व की जिज्ञासा प्रकट की गई है, वह सब जनों का पालन करता प्रजापति है और वही उत्पन्न मात्र सभी प्राणियों से व्याप्त है। उसमें कोई भी उनसे प्राप्त नहीं है, केवल उसी ने अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करना उपयुक्त है। कस्य स्वीद धनम, इस वेद भावना से अनुकूल ही यहाँ पति का अर्थ स्वामी न करके पालन करना अधिक उचित बताया गया। मैक्स मुलर ने इस मंत्र में जिज्ञासु दर्शन भावना के आगे हल्का बताया है। इसके उनके अनुसार इस मंत्र के द्वारा समस्त जो संसार है सारी चीज़ों को एक सूक्त में बांधने की कोशिश किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सूक्त की उदात्तता विकृत हो गई है, यानी कि उसके अनुसार इस मंत्र के सूत्र की उदात्तता विकास हो गई है। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।